जैसे जैसे मेरा उम्र ढलते जाएगा, अभी तो मैं बहू का किरदार कर रही हूँ, कल का मैं सास का करूंगी, दादी माँ का करूंगी, नानी का करूंगी, फुआ का करूंगी, मौसी का, नानी का। मेरी सासू माँ बोलती है कि हमने के नु हेतना पर घूंघट रखत रहनी सन, मजाल रहे कि सास हमने के कही अन कि हेतना से घूंघट हेतना ना जाए के चाहिए। मेरी सासू माँ हमेशा बोलते रहती है इतना पे रखो फिर। मम्मी आपका तो जमाना नहीं है ना, ये तो इंटरनेट डिजिटल जमाना हो गया है। फोटो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आप भूतनी बने हैं और आपके आजू बाजू में पता नहीं कैसे कैसे लोग खड़े हैं और आप भूतनी के रोल निभा रही है। वह क्या कैसा शूटिंग हुआ है, क्या एपिसोड है? मेरा वेब सीरीज है और 8-10 मिनट का है, ज्यादा मिनट का नहीं है। कुछ हम लोग अलग करने की कोशिश किए हैं, जैसे कि एक आया था ना, जैसे कि हॉलीवुड बॉलीवुड में नहीं होता है कि भूतों की रानी, तो वैसे ही मैं, मेरे पास बहुत सारे भूत है और मैं भूतों की रानी हूँ, भूतों की रानी, महारानी, महारानी। हाँ, उसके बाद क्या बनिएगा? मेरे हिसाब से सारे भूत काम करेंगे मेरे लिए, ये लाएंगे वो लाएंगे, उसको मारेंगे इसको मारेंगे उसको मारेंगे, हाँ। ऐसे करके है, बहुत अच्छा है। हाँ। और ये कॉमेडी मेरा आएगा अविनाश निशु कॉमेडी चैनल से, हाँ। और अविनाश निशु कॉमेडी प्लस पेज से, और हाँ। देसी स्टार वीडियो से, हाँ। और मेरा तो चैनल आप लोग जानते ही है, प्रीति वाइंस एक्ट्रेस प्रीति राज। तो कब तक आएगा वीडियो? बहुत जल्द आएगा, 2-4 दिन में तो आ ही जाएगा मेरे खिलाफ। हाँ, मेरे खिलाफ। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग उस वीडियो को शूट किए हैं, किस लोकेशन पे किए हैं और कितना दिक्कत झेलना पड़ा उस वीडियो को शूट करने में? देखिए, दिक्कत तो मुझे नहीं झेलना पड़ा, बस यही मुझे दिक्कत झेलना पड़ा कि पता नहीं कौन सा वो मेकअप था कि मेरा पूरा चेहरा अभी तक खराब हुआ है, एकदम रेड रेड सा हो गया था। बट कोई बात नहीं, काम तो काम होता है और कोई भी रोल हो करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट्स करते हैं कि आप कर कैसे लेती हैं, तो मैं उन एक्ट्रेस को बताना चाहूंगी कि मैं एक एक्ट्रेस हूं और मुझे जैसा काम मिलेगा वैसा काम करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं गंदा काम करती हूँ या है कि नहीं। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइन से कंपेयर नहीं करती हूँ, मैं सीधा बॉलीवुड के हीरोइन से कंपेयर करती हूँ कि देखिएगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी हीरोइन है, जो एक मूवी है सलमान खान और सनी देओल का जीत मूवी है ना, तो उसमें माधुरी दीक्षित इतनी बड़ी एक्ट्रेस है ना, फिर भी कोठे वाली का रोल निभाई है कि नहीं है, और करिश्मा कपूर उसमें मेन लीड है, और ऐसा नहीं है कि माधुरी दीक्षित बड़ी हीरोइन नहीं है, फिर भी वो कोठे वाली का रोल निभाई है। रील और रियल दोनों में डिफरेंट होता है जी। तो बस मैं अपने भोजपुरी और हमारे भोजपुरी फिल्म की जो एक्ट्रेस भी होती हैं, वो उन लोगों को भी जो भी मतलब मिलता है सीन वो लोग कर लेती हैं, लेकिन हमारे एल्बम इंडस्ट्री में कुछ ऐसी लड़कियां हैं, मैं शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग बोलती हैं कि नहीं यार मैं सहेली का कैसे रोल कर लूंगी, मैं अगर मेरे से कोई एक बार पूछते सहेली का रोल करूंगी, मैं हाँ क्यों नहीं करूंगी, रोल ही होता है। तो प्रीति राज पहले एक्ट्रेस बनी, अब हीरोइन बनना चाहती है, साथ ही साथ भूतों की रानी बन चुकी है, और रानी नहीं महारानी बन चुकी है। आने वाले दिनों में प्रीति राज अपना फ्यूचर कहाँ देखती है? फ्यूचर में बस लगी हूँ, एक्टिंग पे फोकस की हूँ, एल्बम तो आते जाते रहता है, बहुत सारी मॉडल है काम करती हैं, और मैं अपना फ्यूचर एक्टिंग में देख रही हूँ, क्योंकि एक्टिंग हमारे जो है ना, हमारा एक्टिंग ज्यादा दिन तक चलेगा, जैसे जैसे मेरा उम्र ढलते जाएगा, अभी तो मैं बहू का किरदार कर रही हूँ, कल का मैं सास का करूंगी, दादी माँ का करूंगी, नानी का करूंगी, फुआ का करूंगी, मौसी का, नानी का, तो एक्टिंग में ज्यादा मेरा फोकस है, क्योंकि एक्टिंग मेरा बेस है। देखिए, भोजपुरी के सबसे खूबसूरत और संस्कारी प्रीति राज है, क्योंकि माथे पे आप देख रहे हैं उड़नी किस तरह से दिख रहा है, लेकिन यह माथे पर क्या उड़नी, जब पटना जाती है तो उतर जाता है, हालांकि अभी ससुराल में है। मेरी सासू माँ बोलती है कि हमने के नु हेतना पर घूंघट रखत रहनी सन, मजाल रहे कि सास हमने के कही अन कि हेतना से घूंघट हेतना ना जाए के चाहिए। मेरी सासू माँ हमेशा बोलते रहती है इतना पे रखो फिर। मम्मी आपका तो जमाना नहीं है ना, ये तो इंटरनेट डिजिटल जमाना हो गया है। डिजिटल जमाने के पत्ते हैं प्रीति राज? नहीं, मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि हमारे जमाने में इतना तक घूंघट लोग लेते थे, तो आजकल कौन इतना घूंघट ले रहा है, फिर भी मैं ससुराल में हूँ तो इतना लेना पड़ता है। अपना बहू उतारिएगा तो घूंघट ही नहीं उड़ेगी? नहीं, ऐसा बात नहीं, मेरी सास रहेंगी ना, मैं नहीं करूंगी, मेरी सास तो शासन करेंगी। बाकी जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि प्रीति राज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।